अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लेफ़्ट ओवर राइस एंड चिकन के डोनट्स। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 350 ग्राम्स हमने लेफ़्ट ओवर राइस लिया है, 2 उबले हुए आलू लिए हैं, ग्रेवी में से बचे हुए 4 चिकन के पीसेस लिए हैं उसे श्रेड कर लिया है, 1 गाजर है उसे ग्रेट करके रखा है, कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्रेड क्रम्स, कोथमीर, सेजवान सॉस है 2 टेबलस्पून और 6 हरी मिर्च का पेस्ट है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला। पहले हम चावल डाल लेंगे, ग्रेटेड कैरेट डाल लेंगे, श्रेडेड चिकन ले लेंगे, 1 कप है श्रेडेड चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सेजवान सॉस, हरी मिर्च का पेस्ट, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स कर लेंगे, कोथमीर, उबले हुए आलू, आप चाहे तो दूसरे वेजेस भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम या पालक, अपनी पसंद के कोई भी वेजेस डाल के भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कैरेट डालने से देखिए कितना अच्छा ऑरेंज कलर दिख रहा है। इसे डो के जैसा हम मिक्स करके बना लेंगे। अब हम कॉर्नफ्लावर का बैटर बना लेंगे। कॉर्नफ्लावर में नमक डालकर पानी डालना है और एक थिन पेस्ट बना लेना है, इसे थिक पेस्ट नहीं रखना है। अब हम एक बड़ी प्लेट लेंगे और इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे। चिकन और राइस का मिक्सचर डाल के इसे हम फ्लैट कर लेंगे, लेकिन थिक होना चाहिए ये। अब हम एक राउंड कटर लेंगे, राउंड कटर लेकर आपको डोनट्स काट लेंगे। पूरे पीसेस निकाल लेंगे। प्लेट को ग्रीस करने से देखिए कितने अच्छे पीसेस आराम से निकल जा रहे हैं। अब हमने नोज़ल लिया है, नोज़ल का उल्टी तरफ से हम बीच में राउंड शेप लगा रहे हैं, उसे हम कॉर्नफ्लावर के बैटर में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से आपको दोनों तरफ ब्रेड क्रम्स लगा लेना है और इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे शैलो फ्राई करना है। इसे टर्न करते रहेंगे हर 2 मिनट के बाद। जब तक ये क्रिस्प गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे दोनों तरफ से। अब ये क्रिस्प गोल्डन ब्राउन हो गया है, फ्लेम को स्विच ऑफ कर लेंगे और केचप के साथ इसे सर्व कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।